बिहार में बाढ़ और लोगों की परेशानी को लेकर राजद नेत्री रोहिणी आचार्य ने सरकार पर हमला बोला है और कहा कि बाढ़ से लोग परेशान हैं और सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। रोहिणी ने कहा कि इलेक्शन के समय सरकार फिर जाग जाएगी और उसके बाद सिर्फ वोट मांगने का काम करेगी। रोहिणी ने बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी मांग की है। आप लोग बोल रहे हैं बाढ़ की स्थिति कितना भयावक है, वहाँ पे आम जनता क्या जिंदगी है देख रहे हैं ना आप लोग सब कोई, लेकिन सरकार यहाँ पे कुंभकर्णी सरकार सोई हुई है। उसको तो बिहार में जो बाढ़ का आपदा घोषित करना चाहिए, राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए और मुआवजा देना चाहिए। जो भी बाढ़ में हमारे बच्चों की जिसकी मौत हुई है उसको भी मुआवजा देना चाहिए, सरकारी मुआवजा। तो सरकार से हमारी मांग है कि बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और तत्काल उनको तुरंत तुरंत से तुरंत सेवा मुहैया कराना चाहिए।